हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डू चैप्टर ट्वेंटी थ्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज दैट इज इंटरजेक्शंस नाउ स्टूडेंट्स व्हाट आर इंटरजेक्शंस ना इंटरजेक्शंस आर द वर्ड्स व्हिच एक्सप्रेस स्ट्रॉग फीलिंग्स ये इसका डेफिनेशन है इट मीन्स और इट्स का मीनिंग क्या है कि इंटरजेक्शंस जो हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्ट्रोंग emotion's strong फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं जैसे कि कुछ हैप्पीनेस एक्सप्रेस करते हैं जैस अगर कोई सरप्राइज है तो फिर वो कैसे खुश होता है बच्चे ही जैसे उन लोगों की एक आवाज़ निकलती है खुशी वाली आवाज़ है ना आ आई हैव वन है ना तो ब्रे वो यू हैव वन द मैच तो ये जो वर्ड्स होते हैं आर ah, ब्रे या जी किसी के चोट लगती तो अपनी भी कोई आवाज़ थोड़ी सी दुख वाली आवाज़ निकलती है इज इन टिड सो दीज वर्ड्स जो स्ट्रोंग फीलिंग्स या स्ट्रोंग इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं उनको हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं ओके ना वॉट आर डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरजेक्शन्स वर्ड्स जो हैं कैसे होते हैं लेटस रीड इन केस ऑफ़ एडमरेशन वी यूज़ ब्रेवो एडमरेशन मीन्स किसी की जब तारीफ़ करते होते हैं किसी ने कोई अच्छा काम किया है किसी ने कोई चीज़ विन किया है तो उसके लिए कौन सा वर्ड एडमरेशन के लिए कैसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग निकलता है ब्रे वो इजेंटेड जब आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई ब्रदर या कोई भी जीतता है किसी चीज़ में जीत हासिल करता है सक्सेसफुल होता है किसी चीज़ में तो फिर खुशी में क्या निकलता है ब्रे वो यू हैव डन इट है ना तो ये जो वर्ड ब्रेवो है और उसके बाद देखिए वी हैव गिवन एन इंटरजेक्शन एक साइन दिया हुआ है इज इट तो उसको क्या कहते हैं इंटरजेक्शन ओके सो दैट इज एक्सक्लेमेशन मार्क उसी तरह इन केस ऑफ इरिटेशन वी यूज उफ इरिटेट कोई इरिटेट करता रहता है बार बार कोई अगर इरिटेट करता है तो अंदर से फिर से वो इरिटेशन की एक वर्ड निकलता है मुंह से एक आवाज़ निकलती है उफ़ इज इट दैट इज़ द वर्ड ऑफ इरिटेशन तो ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है स्ट्रॉन्ग इमोशंस बता रहा है कि दैट इज़ काइंड ऑफ इरीटेसन इज इंट अगर कोई ब्रेवो बोलता है तो हम खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ ये खुशी की है ओफ बोलेगा तो यो इरिटेट हो रहा है इज इंट दिज आर डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरजेक्शन वर्ड्स केस ऑफ जॉय वी यूज़ हु जॉय जब बहुत खुशी होती है इन ग्रुप सो क्या कहा जाता है हु्रा वी हैव डन इट वी हैव वन द मैच इज इंट तो ये हुर्रा कौन सा वर्ड है ये एक ख़ुशी का वर्ड है लेकिन इसमें क्या हो रहा है इस वर्ड से हमें क्या दिख रहा है एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस की फील पता चलती है ओके okay. नेक्स्ट कौन सा वर्ड है एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग का इफ़ वी आर सरप्राइज वी यूज़ ओ सरप्राइज होते हैं जैसे कोई एक नई अजीब सी चीज़ हो जाती है हमारे सामने जो हमारी सोच में नहीं होती है तो फिर वो हम बहुत सरप्राइज हो जाते हैं उस चीज़ से है ना तो जब कोई चीज़ ऐसे अचानक से सामने आती है तो हमारे मुंह से क्या वर्ड निकलता है ओ इज इट इट दैट इज़ द वर्ड ऑफ सरप्राइज़ अगेन वो सडन सडन एक्सप्रेशन होता है इजेंटेड एंड सी द लास्ट वन इन केस ऑफ सडन शॉक वी यूज़ अ शॉक जब होते हैं ओके लाइक जैसे कि अगर डेथ हो जाती है तो फिर एक सडन शॉक सा होता है कि आ ही हैज़ पाजट वे इजेंटिड तो ये क्या होता है ये सारे वर्ड्स जो हैं ब्रेवो वो उफ हुर्रा ओ आ, ये सारे वर्ड्स क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं बस हम अगर ये ये वर्ड ही सुन लेते हैं तो हमें इससे हर किसी की हैप्पीनेस हर किसी का सैडनेस या सरप्राइज पता चल जाता है इज इट सो दीज आर द वर्ड्स ऑफ एक्सप्रेशन दीज आर द वर्ड्स ऑफ स्ट्रोंग एक्सप्रेशंस स्ट्रोंग इमोशंस ओके और इनको हम इन पर्टिकुलर वर्ड्स को हम क्या कहते हैं इंटरजेक्शन्स कहते हैं ओके okay? लाइक सी द सेंटेंसेस ओह वाट आर प्लीजेंट सरप्राइज द वर्ड ओह एक्सप्रेस वंडर ओके वंडर मीन्स कोई अच्छी चीज़ एक देखी है उससे हमें बहुत खुशी हो रही है बहुत अच्छी खूबसूरत चीज़ तो हम क्या सर्डन एक्सप वर, एक्सप्रेशन वर्ड क्या निकलता है हमारा ओह oh. ओके okay, तो हमारा क्या निकलता है वर्ड uh, एक बहुत सरप्राइज हो जाते हैं तो ओके लाइक सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स अलास द ओल्ड मैन इज डेड अगेन अलास जो वर्ड है वो किस लिए क्या एक्सप्रेस कर रहा है ग्रीफ और सोरो दुख इज इट क्या एक्सप्रेस कर रहा है ये वर्ड अलास एक दुख एक्सप्रेस कर रहा है ओके okay, क्या दो द ओल्ड मैन हैज पास्ड अवे ओके सी थर्ड एग्जांपल उफ़ व्हाट अ हॉट डे नाउ ये अगेन उफ अभी अभी हम लोगों ने रीड करा था कि ये क्या एक्सप्रेस करता है इरिटेशन ओके okay, ये इरिटेशन एक्सप्रेस करता है उफ व्हाट अ हॉट डे कितनी गर्मी है इज इट इरिटेशन हो रही है तो इससे हमारे क्या वर्ड एक्सप्रेस हो जाता है वॉट अ हॉट डे अ पर्टिकुलर वर्ड कौन सा निकलता है स्ट्रोंग इमोशन का उफ फोर्थ एग्जाम्पल्स देखिए स्टूडेंट्स ब्रेवो यू संग वेल यू सेंग वेल नव अगेन हियर द वर्ड ब्रेवो एक्सप्रेसेस ब्रेज ब्रेवो अगेन वो एक एडमरेशन होता है एडमिरीशन मीन्स किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो उसको एडमायर करना उसकी तारीफ करना ओके okay, तो उसको वो उसके लिए हम लोग कौन सा स्ट्रांग फीलिंग का इमोशन का वर्ड यूज करते हैं ब्रेवो ओके द अब वर्ड्स ओ अलास एंड ब्रेवो आर द वर्ड्स विच शो सडन फीलिंग्स दीज वर्ड्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शन्स सो स्टूडेंट्स जो वर्ड्स स्ट्रांग फीलिंग एक ही वर्ड में स्ट्रॉ फीलिंग के बारे में पता चलता है हैप्पीनेस है सैडनेस है प्रेज कर रहा है इरिटेशन है तो ये सिंगल सिंगल वर्ड से अगर पता चलता है इन वर्ड्स को हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं और एक बात आपने नोटिस ज़रूर की होगी स्टूडेंट्स कि हर इंटरजेक्शन वर्ड के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क है इजेंटेड सो दीज टरजेक्शन्स का लिखने का रूल जो है यही है हर पर्टिकुलर वर्ड जो स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस कर रहा है उसके बाद हम लोगों को क्या पुट करना होता है हमें एक्सक्लेमेशन मार्क पुट करना होता है ओके स्टूडेंट्स सो हमें क्या याद रखना है इंटरजेक्शन में स्टूडेंट्स एंड इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच डिनोट्स स्ट्रोंग फीलिंग्स ओके जो वर्ड्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रोंग एक्सप्रेस करते हैं उनको हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं एंड इसका रूल क्या है वी ऑलवेज पुट एंड एक्सक्लेमेशन मार्क आफ्टर ईच इंटरजेक्शन हर इंटरजेक्शन वर्ड के बाद हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं students?